27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने 7 साल तक फॉरेन फंडिंग का मामला छुपाया। इलेक्शन कमीशन मजीद तहकीकात करे, शवाहिद की बुनियाद पर जाली हुकूमत के खिलाफ एक्शन लिया जाए। बिलावल भुट्टो की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिनी बजट अवाम दुश्मन करार, बिल पर वोटिंग के रोज पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज का प्लान। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में तब्दीली के चेहरे से बचा खुचा निकाब भी खींच दिया। चशम कुशा इंकशाफात ने कौम को चकरा दिया। जवाब देने की बजाय ब्रांड इमरान को उजागर किया गया। नालायकी, झूठ, लूटमार, साजिश और मौशी तबाही आपका ब्रांड है। 7 साल के ताहिरी खरबे नाकाम हो गए, अब फरार का मौका नहीं मिलेगा। मरियम नवाज की गरज बरस। पीटीआई ने 18 में से सिर्फ 4 अकाउंट डिक्लेयर किए। जो भी हुआ पार्टी चेयरमैन के कहने पर हुआ। लीगी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा। तहरीक इंसाफ की तरह किसी ने भी पार्टी फंडिंग का हिसाब नहीं दिया। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की रिपोर्ट सामने आने का इंतजार है। फवाद चौधरी का रद्द अमल। बिलावल और मरियम नवाज के मुतालबात बचकाना करार। पार्टियों के नाम बदलने का भी मशवरा। और तुर्की के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।